अगर हमने एक क्यूब बनाया है, क्यूब में हमारे पास पाउडर एटम यहाँ पे दिख रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पाउडर एटम होंगे। फिलहाल यहाँ पे अभी पाउडर एटम जो है वहां लिख के नहीं दिखाया गया, यहाँ लिख के दिखाया गया है। पाउडर 8 है तो पाउडर एटम भी कितने होंगे 8। फेसेस की बात करें सर, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक पीछे हो गया, एक आगे हो गया। फेसेस 6 है और उनपे जो फेस सेंटर एटम है वो भी कितने हैं 6। अगर हम एजेस की बात करते हैं सर, वर्टिकल वाली एजेस है, ये एजेस लिख के दिखाया गया यहाँ पे, एजेस जो है वो 12 है, तो उनके सेंटर पर एज सेंटर एटम बैठा हुआ है वो भी कितना है 12। फेस सेंटर एटम की लोकेशन बताई गई है। बॉडी सेंटर सर एक दिख रहा है और बॉडी सेंटर एटम भी कितना होगा 1 होगा। फेस डायगोनल की बात किया गया तो ये वाला जो सर एक फेस डायगोनल बना के दिखाया गया है, हर फेस पे 2 डायगोनल होगा, ठीक। फेस डायगोनल 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ फेसेस 6 तो हो गया 12। और बॉडी से पास करने वाला एक डायगोनल है जिसको बॉय डायगोनल नाम दिया गया है। बॉय डायगोनल यहाँ एक दिखाया गया है, वैसे ही जितने अपोजिट कॉर्नर्स हैं उनको मिला देंगे तो 4 हमारे बॉय डायगोनल हो जाएंगे। अब इसके आगे बढ़ते बेटा हम लोग, तो हमने कहा कि सर किस एटम का कितना कंट्रीब्यूशन होगा ये हम लोग को याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमने देखा कि सर बॉडी सेंटर में एक अगर कोई एटम है तो वो पूरा पूरा इसी के अंदर है, आजू बाजू वाले जो जितने भी इस तरीके के अदर क्यूब होंगे उनमें ये कुछ जा रहा है क्या, उसमें ये क्यूब ये एटम नहीं जा रहा है, ये पूरी तरीके से इसी कमरे के अंदर है। अगर हमने इस कमरे में यहाँ पे एक बॉडी सेंटर पे एक एटम रख दे, ये बाजू वाले जो कमरे हैं उनमें शेयर नहीं हो रहा है, तो इसका पूरा 100% कंट्रीब्यूशन है। तो 100% कंट्रीब्यूशन दैट इज 1 लेके चलेंगे, एक एटम है तो इसका पूरा 1 कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। अगर हम फेस सेंटर पे एटम लगाएं, अगर मान लो कि इस दीवार पे हमने एक एटम लगा दिया तो उसकी आधी डमी तो इस कमरे में है सर, बाजू वाले कमरे में भी गया एटम तो गोल है ना, तो अगर हमने एटम यहाँ लगाया तो उसका आधा डमी तो यहाँ निकला हुआ है, आधा जो है वो पीछे वाले कमरे में गया, इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 50%, दैट इज हाफ का। ये एटम जो वॉल पे लगा हुआ है इसका आधा पोर्शन इधर होगा, आधा पोर्शन इस कमरे में होगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन हो गया 50%। अब बात करते हैं एज सेंटर एटम की, एज पे अगर कोई एटम है तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना आता है, तो आता है 25%, दैट इज 1/4। अब ये कैसे सर ये नहीं समझ में आ रहा है, चलो बताते हैं अभी एग्जाम्पल से। कॉर्नर एटम सर, कॉर्नर पे अगर इस कॉर्नर पे एटम लगा दे तो उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो 12.5% का होता है, 12.5% नहीं आता कोई बात नहीं, 1/8 का कंट्रीब्यूशन होता है, ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कैसे होता है सर ये नहीं समझ में आया, चलो ये दोनों नहीं समझ में आया, ये तो आया, ये आया समझ में पूरा पूरा कि नहीं आया, ठीक। अब देखो इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो कि आपने अपने लास्ट वर्क पे खूब बढ़िया काम किया था, ठीक, तो ब्रह्मा जी आपसे प्रसन्न हो गए और उन्होंने आपको एक कमरा गिफ्ट किया, ठीक। लेकिन इस कमरे में उन्होंने क्या खास बात की, कमरा गिफ्ट किया, कमरा तो सर कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन इस कमरे की खास बात क्या है, उन्होंने इसके जितने कॉर्नर हैं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 कॉर्नर में बड़े बड़े गोल्ड के एटम लगा के दिए, खूब बड़े बड़े, ठीक, जितना बड़ा आप महसूस कर सको, तो वो उतने बड़े बड़े गोल गोल एटम लगा के दिए, 4 ऊपर 4 नीचे 8 एटम लगा के दे दिए कि लो बेटा तुम्हारा कलयुग पूरा सुधर जाएगा। अब ऐसे केस में क्या हुआ कि सर वो कमरा आपके लिए ब्रह्मांड से यहां आ गया, अब आप अंदर बैठे हो, ठीक, आपको नींद आएगी क्या रात में सोते वक्त, दिन भर तो चलो आप घूम ले रहे हो, कुछ कर रहे हो, क्या दिन भर हमेशा पैदारी करते रहोगे, नहीं, तो रात में भी आपको नींद नहीं आ रही है, क्यों नहीं नींद आ रही सर, क्योंकि बाहर जितना पोर्शन निकला हुआ है एटम तो गोल गोल है, अब ये गोल गोल एटम लगा हुआ है जितना आपके आपके अंदर है वो तो तुम देख ले रहे हो, हाँ भाई है, लेकिन जो बाहर है वो चोर काट के ले जाए तो वो चोरी हो जाएगा, तो इसके लिए आपने क्या रास्ता समझा, क्या उपाय समझा कि सर इस कमरे के बगल में एक कमरा बना देते हैं, ठीक, इस कमरे के पीछे एक कमरा बनवा देते हैं जमीन लेकर के, और उन दोनों के बीच में जो जगह खाली है वहां पे भी एक कमरा बना देते हैं। अगर हमने इतने कमरे बना दिए तो ये कॉर्नर वाले एटम की अगर हम चिंता कर रहे हैं केवल अभी, ठीक है, ये कॉर्नर वाला एटम ढक गया कि नहीं ढक गया, क्या पूरा ढक गया, नहीं, क्योंकि सर अभी हम छत पे जाए इस कमरे के तो वो एटम आधा निकला है, इधर वाले कमरे थे हम लोग यहाँ वाले, इसके बाजू में कमरा बना दिया, इसके बाजू में कमरा बना दिया, इन दोनों के बीच में जो जगह थी यहाँ कमरा बना दिया, 4 कमरे बना दिए, ये जो एटम कॉर्नर पे था
ये जो है आधा ढक गया क्योंकि इसके अगल बगल चार कमरे आ गए, तो ये आधा ढक गया। लेकिन अभी छत पर से ये कमरा, ये आइटम जो है वो दिख रहा है। तो क्या हुआ, इस कमरे के ऊपर एक कमरा है, इस कमरे के ऊपर एक कमरा है, इस कमरे के ऊपर एक कमरा, और यहाँ वाला जो कमरा है इसके ऊपर भी एक कमरा बना दिया। तो ये जो एटम है ये कितने एटम में, कितने कमरे में कंट्रीब्यूट किया, कितने एटम लगे इसको पूरा कवर करने में, आठ कमरे लगे बिल्कुल। तो इसी साइज के हमने आठ कमरे बनवाए, तो वो ये एक एटम जो है वो आठ कमरे में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो एक में कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/8 का। अरे भाई तुम आठ में कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो एक में कंट्रीब्यूट कितना करोगे, 1/8 का। यहाँ 1/8 आ गया, तैयार होगा, समझ में आया। कॉर्नर एटम जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/8 का कंट्रीब्यूट करता है, क्लियर। अब उसी तरीके से बात है सर, एज सेंटर एटम, अब यहाँ पे इस एज पे एक एटम लगा हुआ है, या उस एज को हटाओ, इस एज की बात करते हैं। सर आपने एक कमरा बनवाना है, तो कमरा बनवाने के लिए चार पिलर डलवाते हैं कि नहीं डलवाएंगे, चार पिलर डलवाएंगे और उसके बीच में दीवार उठा देंगे, ऊपर सिलेंडर डला दिया, कमरा बन गया सर। अब ये जो चार पिलर आपने डलवाए, ये सपोज करो कि सर 1-1 लाख रुपए के चार पिलर डले, 4 लाख रुपए के चार पिलर डले, ठीक। अब जो इसके बाजू वाले प्लॉट किसी ने लिया, उसने इसी पिलर के बेसिस पे अपना घर बना दिया, ठीक। तो आप क्या कहोगे, भाई ये वाला पिलर तुम्हारे बनवाया और इस पिलर को यूज करके अगर आप भी अपना घर बनवा रहे हो तो इसका कंट्रीब्यूशन दो मुझे। मान लो 1 लाख रुपए लगा है तो उससे कितना लोगे, 50%। लेकिन सर इसके बाजू में भी कमरा बनेगा और उसके बाजू में भी कमरा बनेगा, तो यानी कि ये एक जो पिलर है वो कितने कमरों में कंट्रीब्यूट कर रहा है, चार कमरे में कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं। एक ये कमरा तो हो गया, एक इसके बगल वाला, एक इसके बगल वाला, और उन दोनों के बीच कि ये जो एक पिलर है इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/4 का, चार लोगों में बटेगा 1 लाख रुपए अगर मैंने लगवा के बनाया हो, तो जो भी इस पिलर को यूज करके अपना कमरा बनवा रहा है उससे मैं कितना कितना लूंगा, 25,000 रुपए ले लूंगा कि भाई 25 तुम दो 25 तुम दो 25 तुम दो, 25 हमारा, 1 लाख रुपए हो गया। यानी कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/4 का। तो जो एज होता है उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 का है, और एज के सेंटर पर अगर कोई एटम लगा हुआ है तो उसका भी कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/4 का। तो ये 1/4 हो गया, कॉर्नर वाले का 1/8 हो गया, ठीक है। जो एटम फेस सेंटर पे है इसका 50% बाहर है, 50% इस कमरे में है, तो सर इसका 50% कंट्रीब्यूशन हुआ, और जो बॉडी सेंटर वाला है वो पूरा पूरा अंदर ही है तो इसका 100% कंट्रीब्यूशन हुआ। आया समझ में। अब इसको क्वेश्चन लगाते हैं, हमारे पास एटम्स हैं ए बी सी डी एटम्स हैं, और ये एटम्स जो है कहाँ कहाँ पे है ये लिखा गया है। एटम ए कॉर्नर पे है, बी फेस सेंटर पे है, सी एस सेंटर पे है, और डी बॉडी सेंटर पे है। तो बताइए कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो बड़ा ही आसान है, कर लेंगे हम लोग को सारे कंट्रीब्यूशन पता है, और एटम कहाँ कहाँ पे है तो उसकी लोकेशन पता है। बोलो भाई, एटम अगर ए कॉर्नर पे है तो कॉर्नर पे कितने एटम होते हैं, आठ। बोलो भाई, एटम अगर ए कॉर्नर पे है तो कॉर्नर पे कितने एटम होते हैं, आठ। बी फेस सेंटर पे है, फेसेस कितने होते हैं, छह। तो बी के कितने एटम हो जाएंगे, छह एटम हो जाएंगे। सी जो है वो एज सेंटर पे है, एज होती है 12। और डी जो है वो बॉडी सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे कितना एटम होता है, एक, ठीक। तो सर ये फॉर्मूला बन जाएगा, ऐसा नहीं है सर, इनमें अभी इनके कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। कॉर्नर पे जो एटम होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 का। तो अगर 8 एटम है और इनका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8 का, तो 8 × 1/8 कितना हो गया, 1। बोलो भाई, 6 अगर हमारे फेस सेंटर पे है और फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन अभी हमने बताया कि सर 1/2 का होता है, तो 6 × 1/2 कितना हो गया, 3। 6 × 1/2 कितना हो गया, 3। सर 12 जो हमारे एज सेंटर पे है, एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन अभी मैंने बताया 1/4 का, तो ये कितना हो गया, 3। और एक जो बॉडी सेंटर पे है उसका कंट्रीब्यूशन तो सर 100% होता है, तो ये हो गया 1। तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या आया, ए के एक एटम है, बी के कितने एटम बेटा, 3, सी के कितने एटम है, 3, डी के कितने एटम है, 1। इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो गया, ए बी थ्री सी थ्री डी। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सर अगर हमारे पास जो ये कंपाउंड हमने बनाया ए बी थ्री सी थ्री डी, अब इसमें से कह रहा है कि 25% ए को हटा दे,
50% बी को हटा दे और 75% सी को हटा दे तो नया फॉर्मूला कंपाउंड का क्या होगा। अब इसकी कैलकुलेशन हम लोग को थोड़ा सा अलग से करनी पड़ेगी कि सर 8 एटम है ए के और 8 एटम का अगर हमने 25% निकाला बेटा तो कितना आ जाएगा, जल्दी सॉल्व करो। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 2, यानी कि इसमें से 2 एटम रिमूव करने की बात कर रहे हैं तो बचे कितने, 6 एटम। भाई 25% निकाला, 25% कितना आया 2, तो 8 में से 2 एटम रिमूव करने की बात कर रहा है तो बचा कितना 6। बी के हमारे पास 6 एटम है और 6 एटम पे कह रहा है 50% रिमूव कर दो तो 6 का 50% रिमूव करोगे तो बचेगा कितना 3। सी के हमारे पास कितने एटम है, 12 एटम है सर और 12 एटम को कह रहा है कि सर इसके 75% रिमूव कर दो तो 12 का 75% निकाल लेते हैं 75/100 तो ये कितना हो गया 3/4 और ये 4 3 3 3 9 तो इसमें से 9 एटम रिमूव करने हैं तो 12 में से 9 गया तो कितना बचेगा 3। बोलो भाई। और फिर डी में से कुछ नहीं कहा है तो डी के 1 एटम है तो 1 ही एटम लिखा हम लोगों ने। तो अब हम देख रहे हैं कि सर ए बी सी डी के लिए जो नई कैलकुलेशन हम लोगों को करनी है वो 6 3 3 और 1 लेके करनी है। तो क्या ये फाइनल कैलकुलेशन है? नहीं, अभी तो सर ओरिजिनल एटम जो थे उनमें से कितने कम हुए ये चीज पता चला, अभी इनकी कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करना है। तो ए का कितने एटम है भाई, कितना कंट्रीब्यूशन होता है कॉर्नर वाले का 1/8 का। बी जो है वो हमारे कहां है भाई, फेस सेंटर पे, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2 का। सर सी जो है वो हमारे कहां है, एस सेंटर पे, एस सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4 का और डी चूंकि बॉडी सेंटर पे है तो पूरा पूरा 1। तो ये बेटा कटेगा तो कितना आ जाएगा बताओ जरा, 3/4, ये हो गया 3/2, ये हो गया 3/4 और ये 1। क्या किया जाए, 4/3 से मल्टीप्लाई करते हैं सब में, 4/3 से सब में मल्टीप्लाई किया तो ये 1 हो गया। 4/3 3 3 कटा 4, ये 2 बचा, 4/3 मल्टीप्लाई किया 1 और यहां पे कितना हो जाएगा 4/3। ठीक, तो इन सब में आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा नया फॉर्मूला, इसको मैं रब कर रहा हूं, नया फॉर्मूला कंपाउंड का क्या हो जाएगा, 3 से सब में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ए 3 हो गया। बोलो भाई, ये अलग से लिख के दिखा देते हैं पहले, 3 से सब में मल्टीप्लाई कर लो तो 3 3 2 6 फिर 3 और फिर 4, यानी कि ए बी सी डी के नीचे ये न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है सर। तो अब नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ, ए 3 बी 6 सी 3 डी 4। अभी जो फॉर्मूला था कंपाउंड का वो चेंज हो गया, फॉर्मूला नया कंपाउंड का जो आया वो ये आया, आया कि नहीं समझ में आया, बोलो भाई। तो ये हो गया फॉर्मूला नया कंपाउंड का। हमें देखो ध्यान रखना है कि पहले रिमूव करने की बात कर रहा है तो ओरिजिनल एटम को हटाने की बात कर रहा है कि सर कॉर्नर वाले 8 एटम थे कोई 2 हटा दिए, कौन सा हटा रहे हैं अभी ये नहीं बताया, कह रहा कोई 2 हटा दो। ठीक, 25% हटाने मतलब 2 एटम को हटाने के लिए बात कर रहा है, कोई भी हटा दो। तो 2 एटम हटा करके हमने 6 बचे हुए वो रखा है, फिर उसका कंट्रीब्यूशन निकाल लिया सर। फिर उसी तरीके से हमारे पास बी के हमारे पास कितने एटम थे, 6 एटम थे, 6 फेस सेंटर पे का कोई 3 एटम उड़ा दो, कोई 3 एटम उड़ा दो, हटा दिए तो बचा कितना 3, 3 का कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। बी के सी के हमारे पास 12 एटम थे, 12 एच पे एच सेंटर पे थे एटम, अब 12 एच सेंटर में से कह रहा है कि सर 75% आया कितने 9 एटम, 9 एटम हटा दो, 12 में से 9 एटम हटा दो तो हटा दिया तो बचे 3, उसका कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। जो डी वाला है सर वो बॉडी सेंटर पे है, उसके लिए कुछ नहीं बताया तो वो वैसे रखा रहा। ठीक, फिर उसके बाद उसको कैलकुलेशन करके उसका सिंपलेस्ट रेशियो बनाया गया और फिर उसी के नीचे लिख दिया गया तो नया फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड हो गया। नोट कीजिए जल्दी से। अब इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है कि ये तो समझ में आ गया ना, 4/3 और ये सारी चीजें। अब यहां पे कह रहा है कि इफ ऑल एटम अलोंग एन एज आर रिमूव्ड, एक एज कोई भी पकड़ो, ठीक है, एक क्यूब में जितनी भी एज है इसमें कोई भी एज आप पकड़ लो और उस एज पे जितने भी एटम्स हैं सबको रिमूव कर दो और फिर बताओ कि नया फॉर्मूला क्या होगा, जबकि एटम का अरेंजमेंट ऐसा ही है। हम देख रहे हैं कि सर ए कॉर्नर पे है 8 एटम है, बी फेस सेंटर पे 6 एटम है, सी एज सेंटर पे 12 एटम है और डी बॉडी सेंटर पे 1 एटम है। ठीक, अगर हम एक एज पे बात करें तो एक एज पे कौन कौन से एटम मिलेंगे,
दो कॉर्नर मिल जाएगा ऊपर नीचे और एक एज सेंटर मिल जाएगा। तो एज सेंटर एटम कितना जाएगा, एक जाएगा। तो एज सेंटर एटम जो सी वाला है इसमें से एक गया तो कितने बचे, 11। और जो ए एटम है वो 8 एटम है, उनमें से 2 एटम रिमूव कर दो, इसमें से 2 एटम रिमूव कर दो, कितना बचा, 6। तो अब इनकी कैलकुलेशन जो है इस रिजल्ट से करनी है, ठीक है। तो आ जाओ फिर से, 6 है 1/8 का कंट्रीब्यूशन है कॉर्नर वाले का, बी जो है वो फेस सेंटर पे है, फेस सेंटर को तो कुछ नहीं हुआ ना, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/2 का। जो 11 एटम है हमारे पास, इनमें कह रहा है कि सर 1/4 का कंट्रीब्यूशन है सेंटर वाले का, और बॉडी सेंटर वाला तो वैसा ही है, तो अब नई कैलकुलेशन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी सर, सिंपल रेशियो बनाना है बस, केवल हल्की फुल्की मैथ लगेगी यहाँ पे। तो ये कितना हो गया बेटा 3/4, ये कितना हो गया 3, ये हो गया 11/4 और ये 1। अब क्या किया जाए, 4 से मल्टीप्लाई कर दे, बोलो 4 से पूरे मल्टीप्लाई कर दे, 4 से पूरे मल्टीप्लाई कर दे, 4 से पूरे मल्टीप्लाई कर दे। तो ये कटा, ये आ गया 3, 3 4 12, ये 4 से 4 कटा 11 और ये 4। यानी कि न्यू फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, ए के नीचे क्या लिखा जाए 3, बी के नीचे क्या लिखा जाए 12, सी के नीचे क्या लिखा जाए 11 और डी के नीचे क्या लिखा जाए 4। तो नया फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज A3B12C11D4। हो जाएगा भाई, नोट करें जल्दी। अब इसके बाद बेटा क्वेश्चन को और आगे बढ़ाया जा रहा है कि कह रहा है कि इफ ऑल एटम ऑन वन फेस आर रिमूव। अब एक फेस लिया, अभी हम लोगों ने एक एज लेके सॉल्व किया कि एक एज में जितने एटम थे सारे हटा दो। अब कह रहे हैं कि सर एक फेस ले लू, उस फेस पे जितने एटम है सारे हटा दो। तो बताओ फेस पे क्या क्या आ रहा है, फेस पे 4 कॉर्नर आ जाएंगे कि नहीं। एक फेस की बात करोगे, एक कॉर्नर इधर, एक कॉर्नर इधर, एक कॉर्नर इधर, एक कॉर्नर इधर, 4 कॉर्नर है तो 4 कॉर्नर हट जाएगा। एक कॉर्नर पे सर 4 एटम हटाने की बात की जा रही है तो कितने बचे, 4। अब आ जाओ फेस, फेस सेंटर है कि नहीं है, अगर हम एक फेस की बात करें तो उसे फेस सेंटर भी आएगा, तो बी जो फेस सेंटर पे है वहां से एक एटम उतारना पड़ेगा, तो 6 एटम में से एक एटम उतार दिया तो बचा कितना, 5 एटम, ठीक। अब सर अगर हमारा एक फेस की बात कर रहे हो तो ये एज आ रही है कि नहीं आ रही है, उसी फेस पे तो एज आ रही है, तो ये एज आ रही है सर, ये एज आ रही है, ये एज आ रही है, ये एज आ रही है, तो एज सेंटर एटम भी तो इस पे लाई कर रहा है, तो 4 एज सेंटर एटम भी उतारने पड़ेंगे। तो एज सेंटर एटम सी पे है सर, 4 एटम यहां से उतारने पड़े, तो कितने बटे, कितने बचे, 12। और एक जो है ये बॉडी सेंटर वाला, बॉडी सेंटर को तभी छुआ ही नहीं सर, तो वही रहेगा। तो अब हो जाएगी कैलकुलेशन, फिर से हमें कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई करना है, 1/8 का कंट्रीब्यूशन कॉर्नर के लिए, जो बी है हमारा फेस सेंटर पे, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/2 का होता है, जो एज सेंटर एटम है उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 का है, और जो बॉडी सेंटर पे है उनका कंट्रीब्यूशन 1 का है। तो 4/8 कितना हो गया, 1/2, ये हो गया 5/2, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। क्या किया जाए, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 5, 2 2 4 और 2। तो यहां पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, ए के नीचे क्या लिखा जाएगा 1, बी के नीचे 5, बोलो भाई, डी के, सी के नीचे 4 और डी के नीचे क्या लिखेंगे, 2। नाउ द न्यू फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज A5, AB5, C4, D2। हो जाएगा, नोट किया जाए। अब इसके बाद एक अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो ABCD है उनका अरेंजमेंट जैसा था वैसा ही है, लेकिन कह रहा है कि इफ ऑल एटम अलोंग अ फेस डायगोनल आर रिमूव। अब हमें फेस डायगोनल लेना है सर, फेस डायगोनल का मतलब ये वाला फेस हो गया जैसे, तो इसका डायगोनल ऐसे ले सकते हो या फिर ऐसे ले सकते हो, कोई एक लेना है। अलोंग अ फेस डायगोनल आर रिमूव्ड। अब अगर फेस डायगोनल की बात की बेटा तो कौन कौन से एटम जा रहा है बताओ, 2 कॉर्नर आएंगे और एक फेस सेंटर आ रहा है सर, इनको रिमूव कर दो, तो 2 कॉर्नर एटम को रिमूव कर दिया तो कितना बचा, 6। फेस सेंटर एटम एक रिमूव किया जाएगा सर तो कितना बचा, 5। जबकि ये 12 जो कि एस सेंटर पे है वो वैसे ही रहेंगे और ये वैसे ही है।
अब इनके कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 8, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 2, एस फेस सेंटर पे है, एस सेंटर वाले का 1 बाई 4 और बॉडी सेंटर वाले का 1, तो ये कितना हो गया बेटा 3 बाई 4, ये हो गया 5 बाई 2, ये हो गया 3 और ये है 1। अब क्या करें, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें सब में, 4 से सब में मल्टीप्लाई कर दें तो सिंपलेस्ट रेशियो आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, ये बचा 3, ये कटेगा 2 और 5 2 जा 10, ये हो गया 4 3 जा 12 और ये 4 कटने वाला तो है नहीं सारा, तो ये क्या हो जाएगा, ए के नीचे लिखा जाएगा 3, बी के नीचे लिखेंगे 10, सी के नीचे लिखेंगे 12 और जो डी है इसके नीचे लिखेंगे 4। तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज ए 3 बी 10 सी 12 और डी 4, हो जाएगा, नोट करें। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा कि अगर हमारे पास एक बॉडी डायगोनल हम ले रहे हैं, बॉडी डायगोनल कैसे पास करते हैं पता है कि एक कॉर्नर से बॉडी डायगोनल के अपोजिट दूसरा कॉर्नर जो है, यहां तक हम एक बॉडी डायगोनल पास किए और उस पर लाई करने वाले सारे एटम को हटा दिए, इफ ऑल एटम अलोंग अ बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड। देखो बॉडी डायगोनल भी जो है वो क्या हो रही, क्या कर रही है, बॉडी डायगोनल प्लेन की बात नहीं कर रहे हैं, बॉडी डायगोनल एक लाइन खींचा है सर, लाइन ठीक है, थ्रेड ले लिया जैसे एक और उसको बॉडी डायगोनल से जोड़ दिया, अब इस पर टच करने वाले जितने आइटम है सर सबको रिमूव करना है ठीक। तो दोनों कॉर्नर जाएंगे कि नहीं जाएंगे बॉडी डायगोनल वाले दोनों कॉर्नर, तो दो कॉर्नर चले गए सर, तो कितना बचा 6। क्या हमारे फेस सेंटर आइटम टच में आ रहे हैं कोई, अब यहां से उड़े और वहां तक जा रहे हो कोई फेस सेंटर आइटम बीच में नहीं आ रहा है ठीक, तो फेस सेंटर आइटम सर वैसे ही रहेंगे 6। और उसके बाद एज सेंटर की बात करो, एज सेंटर भी सर कोई नहीं आ रहा है, एज सेंटर भी दूर दूर है तो सर वो कितना रहेगा 12 ही रहेगा, और जो फेस बॉडी सेंटर है सर यहाँ पे बॉडी डायगोनल से जो पास करे तो बॉडी सेंटर तो टच आएगा ही, तो इसमें से खत्म कर दिए तो कितना हो जाएगा 0। अब उसके बाद कंट्रीब्यूशन लिख लेते हैं, कॉर्नर वाली कंट्रीब्यूशन कितनी होगी 1/8 की, फिर जो हमारा फेस सेंटर है ये हाफ हो जाएगा और जो हमारे एज सेंटर है 1/4 हो जाएगा, अब ये खत्म ही हो गया, इसका अस्तित्व नहीं रहा तो उसके बारे में बात ही नहीं करनी है, तो ये कितना हो गया बेटा 3/4, ये हो गया 3, ये हो गया 3, क्या किया जाए 4 से मल्टीप्लाई कर दें 4/3 से, बोलो भाई, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, तो फॉर्मूला क्या आ गया ए बी 4 सी 4 ठीक, जबकि डी क्या हो गया 0 हो गया, ए बी 4 सी 4, नोट करें जल्दी। अब इसके बाद एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए, करें आप लोग इसको, कि यहां पर बता रहा है कि इफ ऑल एटम फ्रॉम द फेस सेंटर आर रिमूव्ड, लेकिन एक चीज और लिखी गई है विच आर नॉट अपोजिट ऑफ ईच अदर, ठीक है, जो एक दूसरे के अपोजिट हो उनको रिमूव नहीं करना है, विच आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर ठीक। तो अगर हमने सपोज करो कि सर ये वाला फेस सेंटर चूज किया कि सर इसको रिमूव करने चलते हैं, तो इसके अपोजिट वाला फेस जो है वो इधर होगा, तो उसको रिमूव करना है या नहीं करना है, विच आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर उनको रिमूव नहीं करना है ठीक है, यानी इस वाले को अगर रिमूव कर रहे हो तो इसके सामने वाला रिमूव नहीं होगा, सर ये वाला फेस सेंटर अगर आप रिमूव करने के लिए सोच रहे हो तो इसके सामने वाला रिमूव नहीं होगा, सर ये वाला फेस सेंटर अगर आप रिमूव करने के लिए सोच रहे हैं तो इसके सामने वाला रिमूव नहीं होगा, ये चीज समझ में आई, कह रहा है कि इफ ऑल एटम फ्रॉम द फेस सेंटर आर रिमूव्ड, लेकिन उसके साथ कंडीशन बताई गई कि विच आर नॉट अपोजिट टू इच अदर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं होने चाहिए ठीक, वो रिमूव करना है ठीक। तो हमने रिमूव किया ये वाला, ये वाला क्या एक दूसरे का अपोजिट है, नहीं, हमने रिमूव किया ये वाला क्या एक दूसरे का अपोजिट है, नहीं, तो हमने कितने एटम रिमूव किए 3 एटम रिमूव किए ठीक, हमने कितने एटम रिमूव किए 3 एटम, तो बी में से हमने कितने घटा दिए 3, ये बचा 3, अब कैलकुलेशन कर लो सर 8 है 1/8 का कंट्रीब्यूशन, 3 है हाफ का कंट्रीब्यूशन, 12 है 4 का 1/4 का कंट्रीब्यूशन और 1, तो ये कितना हो गया 1, ये हो जाएगा 3/2, ये हो गया 3 और ये 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दो
तो 2, 6 और ये 2, 3 या 6 और 2 क्या कट रहा है क्या? नहीं, तो फॉर्मूला बताओ क्या आ गया सर? हो गया A2 B3 C6 और D2। ठीक, तो ये हो गया फॉर्मूला ऑफ द नया कंपाउंड। इस बात को ध्यान रखना है कि फ्रॉम अपोजिट टू इच अदर आर नॉट रिमूव्ड, जो एक दूसरे के अपोजिट हो उनको रिमूव नहीं करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक, क्वेश्चन की देखो लैंग्वेज जब लिख देता है इस तरीके से तो हमें उसको इंटरप्रेट करने में ही तो करवा दिखा नहीं है सबको। अगर सबको ही समझ में आ जाएगा तो फिर क्वेश्चन अपने ही सॉल्व कर लेंगे। विच आर नॉट अपोजिट टू इच अदर उनको रिमूव नहीं करना है। ठीक, तो हमारे 6 एटम थे, 6 में से कोई 3 जो है वो रिमूव होंगे और उनके अपोजिट वाले जो है वो रिमूव नहीं होंगे। तो 6 में से केवल 3 को रिमूव किया गया और सिंपल रेशियो बनाया गया, लिख दिया गया। कितने आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये चीज आपको आनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपके मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट पे। ठीक है, और बच्चों को एग्जाम में जब नीट में अगर मान लीजिए इस बार ये मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आ जाए, ठीक है, तो आना चाहिए करने। अगर ये इस तरीके के क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो समझ लीजिए कि हमने बहुतेरे बच्चों को अपने से आगे निकलने का मौका दे दिया। तो इन पे कमांड हासिल करो बेटा। देखो हम लोग टफ क्वेश्चन के पीछे पड़े रहते हैं कि सर हम टफ क्वेश्चन सॉल्व कर लें। सबसे टफ क्वेश्चन यहाँ पे डेंसिटी वाला बनता है। ठीक है, तो डेंसिटी वाले क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो उनको भी सॉल्व करना है, लेकिन सर सारा खत्म करने के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी जिसकी भी स्ट्रीम है वो सब खत्म करने के बाद डेंसिटी वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक, एक बार जान लो तो। लेकिन उससे इजी से क्वेश्चन भी आ सकते हैं सर, और ये क्वेश्चन गलत हो गया सर, डेंसिटी वाला हमें महारत हासिल है लेकिन ये क्वेश्चन गलत हो गया, तो फिर हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इस क्वेश्चन में मैंने सारे लिंक करने की कोशिश की कि सर कहाँ कहाँ से क्या चीज रिमूव कर सकते हैं, और भी केसेस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन नॉलेज जो आपने सीखी है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक,